जय गौ माता, जय गोपाल। पिछले दिन हुए 7 दिन के शिविर में मेरा अनुभव ऐसा रहा जैसे हम जो व्यक्ति विशेष जो भाई लोग इस शिविर में आए, सम विचारधारा के व्यक्ति लोग हम लोग मिले, इससे अपने अंदर सोया हुआ जो देवत्व, मनुष्यत्व या फिर जो बहुत कुछ करने के जो इच्छाएं, वो सुप्त आकार में रहते थे। इस शिविर के उपरांत मैंने ये अनुभव किया कि ऐसे ही अगर सम विचारधारा वाले व्यक्ति एक जगह संगबद्ध होके किसी विचार को मंथन, साधना, सत्संग आदि करते हैं, तो उससे ये यज्ञ से ये धुआं निकलता है हमारे अंदर से, ये जो विचारधारा है वो 100 गुना अधिक स्पीड से हम लोग करने लगते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे चीज जो छूट गए थे या फिर जो अकेलापन में जो हमें आलस्यपन या फिर जो ऐसा समझें कि सुप्ताकार में जो रहते थे, उसे बूस्टिंग और चार्जिंग या फिर ऐसा समझें कि मेरे अंदर वो ऊर्जाएं, वो शक्ति महसूस कर पा रहे हैं योग निद्रा के माध्यम से, और देशभक्ति गीत हो या फिर सम विचारधारे व्यक्तियों का विचार आदान प्रदान के माध्यम से मैंने ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और किसी भी कार्यों को 100 गुना और भी स्पीड से करने की क्षमता मेरे अंदर आ गए हैं ये इस शिविर के उपरांत ही हमें महसूस हो रहे हैं। इसलिए मैं सारे मित्र लोग, जो भी मित्र लोग, जो भाई लोग आए थे शिविर में, उन सबको मैं हृदय से, तहे दिल से उनका मैं आभार हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं हरकृष्ण मुंडारी, ओडिशा, सुंदरगढ़ जिला, नावगांव ब्लॉक, लांकोई गांव से। जय गौ माता।